बेसिकली तौसीफ साहब ये वही है ना कि रियासत ने अब उल्टे सीधे तरीके कार पकड़ लिए हैं कि भाई अगर आपने एक बंदे को पकड़ के अंदर करना है तो आपने उसको अंदर रख रहना है, तो उसके लिए आप जो मर्जी करते रहें, कानून शानून को फॉलो मत करें। और मतलब एक ड्रकूनियन किस्म के लॉज हैं ये, घोरे के ज़माने का कानून है बनाया हुआ, वो चलें किसी दहशत गर्द के ऊपर या किसी फायर ब्रांड क्लैरिक के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो आने वाले दिनों के अंदर, तो समझ आती है ये पूरे मतलब परवेज़ लाई साहब को 16 बयान मुकर्रर कह रहे हैं वो, यहीं पर मेरा उसमें सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि वो जानते ही नहीं परवेज़ लाई साहब को, मतलब वो कौन से 16 बयान है, कौन सी आग लगाने लगे। आपका क्या ख्याल है? वो 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ 50-60s ਕੀ ਪਲੇ ਬੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਕੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਜੈਸੇ ਮੂਨੇ ਸਲਾਈ ਪੇ FIA ਕਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ, उसमें मेल जो एक्यूज है वो मुने सिलाई है, तो मुने सिलाई को पकड़े, उसमें इनकी भी तफ्तीश करें, कोई इशू नहीं। लेकिन ये कभी इस बात पे बंद कर देना, कभी उस बात पे बंद कर देना, ये बहाने हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास भी चारा कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि परवेज लाई क्या फायर ब्रांड स्पीकर होंगे, वो तो उन्होंने जब ये 9 मई वाला वाकया हुआ तो उन्होंने पहले तो गायब रहे और फिर मजम्मत की। और मैं ये समझता हूँ कि भी शरीके का मसला है, जैसे हसन कह रहे थे, असल में शरीके का रोल है। और दूसरा ये कि मोनर सिलाई से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि अगर वो ये समझे कि मुझे जो है वजीर आला बनाएगा इमरान खान, मतलब कि ये कमाल की अप्रोच है, ये एक सियासी घर की अगर ये अप्रोच है तो मैं दुआई कर सकता हूँ। ये हम ऐसे तरीकों के अच्छा, लेकिन और ये महीना 2 महीना और चलेगा, इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन कैसे, इलेक्शन को फिर कौन मानेगा, पूरी दुनिया जो है वो तौसीफ साहब वही में तौसीफ साहब ये अब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपको इलेक्शन होते भी नजर आ रहे हैं अगर इस तरह के हालात चल रहे हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसे हालात में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? देखें, पावर्स दैट बी वो ये चाहते हैं या अपनी इंटेंशन शो करते हैं कि इलेक्शन बेशक लेट हो जाए लेकिन इकॉनमी जो है ना वो सेटल होनी चाहिए। इकॉनमी इज आर प्रायोरिटी, इकॉनमी इज आर नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, उसमें काफी सारी चीजें और भी शामिल होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासतदान जो है ना वो इस चक्कर में आना नहीं चाहते, और वो ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन टाइम पे हो। और दूसरा फैक्टर मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, दूसरा फैक्टर ये है कि काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस होंगे, डोंट एक्सपेक्ट भी उनके होते हुए आपको इधर उधर हो जाए। और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि इलेक्शन टाइम पे हो ताकि उनकी गुत मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना हो, जैसा कि शहबाज शरीफ की कुछ पॉलिसियों ने किया है। तो वो कुछ बातें अपने हाथ में रखेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन होंगे, और उसमें फाइन लाइन जो है जो लोग गौर नहीं कर रहे कि वो पुरानी मरदमशुमारी पे कराए जाएंगे, तो इसमें जो है ना वो बड़ी बारीक वारदात है। और ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन आगे ले जाए, उसका इलाज ये करेंगे वो सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को कि कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो निगरान वजीर आजम आए, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, या ऐसा बंदा आएगा जिसके साथ जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से सेंसिटिव हो लेकिन रेडिकल ना हो, यानी कि कुछ कुछ चलता भी रहे लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो रेडिकल हो, ताकि हर चीज जो है ना वो इस ऐसे मामलात में ना पड़े कभी खराबी की तरफ जाए, वरना इस इलेक्शन को मानने वाले बहुत कम होंगे। तौसीफ साहब, अब मुझे अभी हम प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे ये भी पता है कि आपको जो मुमकिन वज़ीर आज़म है इंटरिम उसका नाम भी पता है, तो हम अपने नाज़रीन को ये बता देते हैं कि आप थर्सडे को वो बता देंगे, आप वो रूनुमाई कर देंगे उस नाम की, ताकि थोड़ा सा ज़रा पता तो चले ना उनको। चले जुमेरात तक वादा पक्का ना करें, कोई एक आधा दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नाम देंगे। अच्छा, आपका ख्याल है हो रहे हैं इलेक्शन नकवी साहब? यार अभी जिस तरह आपको हसन आपने जिक्र तौसीफ साहब ने किया, जो अभी नवाज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है दिगाई साहब की, उसमें भी ये फैसला किया को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो जाती तौर पर चाहती है कि इलेक्शन जो टाइम पे ही हो और इसको डिले ना किया गया।
लेकिन ऑब्वियसली जो हमारी पावर्स दैट बी हैं वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो और सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए। और बेसिकली जो ये 9 मई के बाद वाकयात हैं उनके जिम्मेदारों को पहले कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन पोलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस मामले में एक में है कि इकट्ठी हों। अच्छा, लेकिन तौसीफ़ साहब की बात को एग्री कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसमें कल मीटिंग जो हुई है ना, उसमें ये फैसला किया गया है कि वो प्रेफर करेंगे किसी टेक्नोक्रेट के बजाय या ब्यूरोक्रेट के बजाय कोई पॉलिटिशियन हो। तो इसमें ऐसा नाम भी वज़ीर आज़म के जा सकता है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो उसका हो, पॉलिटिशियन भी हो और वो इकोनॉमी को भी समझता हो। जैसे हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि इकोनॉमिक रिवाइवल इस वक्त बहुत मुश्किल, इस वक्त मुश्किल बुरे हालात से गुजर रहा है, महंगाई आपके सामने है, फिर हमने IMF से जो भी बातचीत हुई है, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो इकोनॉमी को भी समझता हो। तो बेसिकली वो नाम आ सकता है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो, पॉलिटिक्स में को भी जानता हो और साथ उसकी इकॉनमी पे भी बुरा हासिल हो। तो देखते हैं भी आगे दिन में क्या होता है। लेकिन हसन मैं बताऊं, हल्का हल्का टेक्नोक्रेट हो, हल्का हल्का पॉलिटिशियन हो, हल्का हल्का इकोनॉमिस्ट हो, ये तीन चीजें। जी जी जी, आप बिल्कुल, आपने मेरी बात को एक लफ्ज में सुना दिया सर। वो खातून तक आगे तो नाम ही लाया दियो, फिर वेट क्यों कर रहे हो जी? मेरा दस दियो सर, कुछ नहीं होता, अल्लाह और खबर देगा। नाम पक्का नहीं है, जो नाम पक्का नहीं है, पर हम जब देंगे तो पक्का नाम देंगे। ये तो अभी लिस्ट में है। चलो सर ठीक है। अच्छा ना, हाँ जी जी ने कोई सब सर, फिर कर देना 3-4 नाम जो हो रहे हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे, तो तुम अपना दस देना, मैं अपना दस देगा, फिर कोई जो होगा फिर टॉस कर लेंगे। दो सौ तो कह देंगे वो दस दे, हर दो सूटों में हम फिर सच्चे साबित होंगे। अच्छा, हम ये कह सकेंगे ना, चले नकवी साहब ने बता दिया या तौसीफ साहब ने बता दिया, बताया तो सच गप के नाम के प्लेटफॉर्म से ना, तो हम तो कम से कम ये वो एजाज तो हमारे नाम ही रहेगा फिर भी। अच्छा तौसीफ साहब, प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करने की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान आए, हमने बड़ी फ़खर का जश्न मनाए, इमरान खान साहब उसे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि अफगानों ने अपनी जंजीरें ग़ुलामी की तोड़ के फेंक दी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीरें बड़ी कहीं कि जी हो जी वापस आ गए, ये हो गया वो हो गया। अब जब से ये तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी तालिबान को पनाह देते हैं, वो क्रॉस द बॉर्डर रेड्स करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हमें बंदे दें, तो वो हमें वही उससे बुरा जवाब दे रहे हैं जैसा हामिद करजई और दूसरे देते रहे थे, वो भी उसी टोन में हमारे साथ बात करें, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ ये सारा कुछ करने का? देखिए मेरी बात सुने, ये इमरान खान को तो खैर इस बात की शर्म आनी नहीं, वो TTP को अपना भाई भी समझते हैं, उन्हें ऑफिस भी देने चाहते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ को बहरहाल अपनी ट्वीट पर शर्म आनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो तब भी मैंने कहा था कि तालिबान जो है ना, ये इनफैक्ट अब प्रॉक्सी है अमेरिका की। आप देखिए अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आ रहे हैं, तो तब लोगों को ये जो बात है ना बड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन इसकी एक तारीख है। ये कतर में जो मुज़ाकरात होते रहे, इसमें जो बंदा कल्टिवेट किया, वो पहले जर्मन इंटेलिजेंस ने कल्टिवेट किया, फिर उसको CIA के हवाले किया, उसको कतर पहुंचाया गया, एंड दैट मैन वाज सुहेल शाहीन। तो वो जो बंदा है उससे फिर एक उसकी वेरिफिकेशन के लिए अमेरिकन ने मुल्ला उमर एक खास मौजू पे मुल्ला उमर का एक खत जारी करवाया और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये अफगान तालिबान जो हैं, इनकी शर्त ये थी कि इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान को इल्म नहीं होना चाहिए। तो ये साफ नजर आता था कि ये जो लोग हैं इनको बाकायदा अरेंजमेंट के जरिए इनको अपनी प्रॉक्सी बना के पाकिस्तान के सर पे बिठाना है। और देखें आप, पहले वो हम पे एहसान क्या करते रहे हैं, पहले तो TTP उनके मेहमान थे, फिर TTP से वो अलहदा हो ही नहीं सकते वो, और TTP और अफगान तालिबान को सेपरेट एंटिटी बनाने वाला या समझने वाला वो, मैं कहता हूँ उससे बड़ा कोई बेवकूफ ही कोई नहीं। और फिर उन्होंने अभी कुछ देर दिन पहले ये रियायत का ऐलान किया, इनको हम सरहद से दूर दराज इलाकों में बसाएंगे। जनाब वो हमारे दुश्मन है, आप बसाते फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले की तरह डबल गेम कर रहे हैं। और ये जो लोग फतह का जश्न मना रहे थे, ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, और ये जो लोग माफी दे के तालिबान को लेके आए हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ इनका एहतसाब कब होगा। इनकी वजह से दहशतगर्दी वापस आई है। हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि PTM की सूरत में एक प्रोग्रेसिव लोगों की पॉपुलर जमात सामने आ गई है, तो उस पर हाथ रखा जाता बजाय इससे कि उसको सप्रेस किया गया और इन लोगों को बसाया गया। तो ये मैंने एक दफा किसी को जल के कहा था, एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजम जो साहब लोग हैं, मैंने कहा इतना अच्छा निज़ाम है तो हमें आप सजेस्ट करते हैं कि ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में होना चाहिए, तो आप अफगानिस्तान चले जाएं और अपने बच्चे अमेरिका भेजते हैं, हमारे बच्चे अफगानिस्तान भेजते हैं,
ये मतलब क्या मुनाफिक तरीन लोग हैं, और इनकी चेनें क्योंकि ज्यादा दौर में हुई है, इस वजह से हमारा इस काम से, इस मुसीबत से छुटकारा नहीं हो रहा। और ये बड़ी सख्त बात है, लेकिन मैं ये आपको बताऊं, वहां जिसको मुकम्मल इख्तियार होगा तालिबान को, ये नेशनलिस्ट भी हैं और इन्होंने इस्लाम का तड़का लगाया हुआ है, ये हमें कभी टिक के बैठने नहीं देंगे जब इन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। और हमने शुमाली इतिहाद को भी इग्नोर किया, खुद भी हथियार फेंके और ये फियास्को हमारे सामने आया। चलें अब तो हम फंस गए हैं ना तौसीफ साहब, ये तो हमारे जो पॉलिसी साज लोग हैं उनको सोचने की जरूरत थी।